आइए अब बिग न्यूज बिग शो में बात करते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला की। इनकी मुश्किलात लगातार बढ़ती जा रही हैं और ये मुश्किल में उस वक्त आए जब इन्होंने ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर एक विवादित बयान दिया। रणदीप सुरजेवाला की मुश्किलें लगातार बढ़ती गई। हरियाणा महिला आयोग ने जो इन्होंने टिप्पणी की थी उसका जवाब मांगा, लेकिन सुरजेवाला ने आज जो जवाब देना था नहीं दिया। तो हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को एक और नोटिस भेजा है और कहा है कि 18 अप्रैल तक जो उन्होंने अपना बयान दिया था उस पर स्पष्टीकरण दें। अब ये देखना होगा रणदीप सुरजेवाला और उनके वकील 18 अप्रैल को अपनी सफाई में क्या कहते हैं, वो अपने विवादित बयान का किस तरीके से बचाव करते हैं। आप भी जानते हैं रणदीप सुरजेवाला हरियाणा से हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं। इस बार राज्यसभा सदस्य के तौर पर राजस्थान से वो अपनी राजनीति में राज्यसभा में योगदान दे रहे हैं। क्या है पूरी कॉन्ट्रोवर्सी और ड्रीम गर्ल को देकर रणदीप सुरजेवाला ने क्या बयान दिया था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई हो और जुबानी जंग न हो, ऐसा भला कहां हो सकता है। कई बार नेता मर्यादा लांघ जाते हैं और विवादित टिप्पणी कर देते हैं। हरियाणा कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला एक बार फिर विवादों में घिर चुके हैं। फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग ने उन्हें एक बार फिर नोटिस दिया है। सुरजेवाला को 18 अप्रैल को हेमा मालिनी के खिलाफ की गई टिप्पणियों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। इससे पहले 9 अप्रैल तक महिला आयोग ने सुरजेवाला से जवाब मांगा था, लेकिन रणदीप सुरजेवाला न तो पेश हुए और न ही नोटिस का जवाब दिया। वहीं चुनाव आयोग ने भी मंगलवार को सुरजेवाला को नोटिस जारी किया है, जिस पर 11 अप्रैल शाम 5 बजे तक जवाब मांगा गया है। इलेक्शन कमीशन को इसलिए लिखा क्योंकि अभी कोड ऑफ कंडक्ट है। जब तक कोड ऑफ कंडक्ट है हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, वो एक पॉलिटिशियन है। अच्छा है इलेक्शन कमीशन, वो आज पेश होना था, वो आए भी नहीं। राज्य आयोग में आना था, मेरे उनका रिप्लाई भी नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं आया। इससे पता चलता है कि वो कानूनों को की धज्जियाँ खुद ही उड़ा रहे हैं। देखिए हमने इस इलेक्शन कमीशन को ऑलरेडी लिख चुके हैं कि वो ले, हमने पहले भी ऐसा हुआ था कि उनकी एक स्पीक जो एक पार्टी की स्पोक्स पर्सन ने ऐसा बोला था कंगना जी के लिए, और उनको इलेक्शन कमीशन ने उसके अगेंस्ट स्टेप भी लिया। ये सभी पार्टीज में है एक्चुअली ना, अक्रॉस पार्टी लाइन बदलाव होना चाहिए, तो बचना चाहिए ऐसे बयानबाजी, बिल्कुल बदलना चाहिए। देखा जिसका हम सुधार करेंगे कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को और आशा वर्कर्स को मौलिक अधिकार नहीं पता है। यदि उनको नहीं पता होंगे तो वो आगे क्या बताएंगी गाँव और क्षेत्र में जाकर। अब मुझे लगता है इनके लिए हम स्पेसिफिक एक कोर्स इस तरह का करेंगे 2 दिन का, जिनमें उसमें उनको अधिकारों का पता लगे, तो ये बहुत आवश्यक है। रणदीप सुरजेवाला को आपने जो है नोटिस भी दिया था आज पेश होने के लिए, तो क्या रहा इसमें? मुझे बहुत दुख हो रहा है और मुझे लगता है बहुत बेशर्मी की हद पार है कि उन्होंने आज रिस्पॉन्ड नहीं किया, ना उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने रिस्पॉन्ड किया। उनको कानूनी की धज्जियाँ, जैसे अभी आपने सुना कि कानूनी धज्जियाँ उड़ाने की आदत से दरअसल रणदीप सुरजेवाला लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साझा उम्मीदवार के लिए प्रचार कर रहे थे और इसी दौरान वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर विवादित टिप्पणी कर बैठे थे। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो बनाने के लिए बनाते हो, फिल्म स्टार तो है। हम तो हेमा मालिनी जी का भी बड़ा सम्मान करते, क्यों धर्मेंद्र जी के ब्याह रखिए, बहू है हमारी, परंतु ये फिल्म स्टार तो हो सकता है कोई। हम लोग जो है, मुझे या गुप्ता जी को इसलिए आप बनाते हैं कि साहब हम लोग जो है आपकी सेवा कर सकते। बहरहाल सुर्खियां हासिल करने और तालियों की गूंज के लिए सियासतदान अक्सर विवादित बयान दे जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे बयानों से उन्हें मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अब रणदीप सुरजेवाला हरियाणा महिला आयोग और चुनाव आयोग के नोटिस का क्या जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। सूर्य समाचार के लिए पंचकूला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।